और अब खबर दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले रणक्षेत्र की। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनाती के 100 दिन पूरे कर इंडियन आर्मी की कैप्टन शिवा चौहान ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। खून जमा देने वाली सर्दी और मुश्किल हालात वाले इलाके में शिवा की तैनाती ने पहले तो सबको रोमांचित किया था, लेकिन कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरा कर बता दिया है कि उन्हें लेडी ऑफ सियाचिन क्यों कहा जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन, वो इलाका जहां बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां चलने वाली बर्फीली हवाएं हड्डियां तक गला देती हैं। यहां सालों भर कुदरत अपना सबसे खौफनाक रंग दिखाती है। उस सियाचिन में हिंदुस्तान की वीरांगना कैप्टन शिवा परचम फहरा रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन, यहां शून्य से करीब 50 डिग्री नीचे होता है औसतन तापमान। बर्फीले तूफान शुरू हो जाएं तो ये करीब 3 हफ्ते तक लगातार चलते रहते हैं। यहां सालों भर औसत करीब 36 फीट बर्फबारी होती है। ऐसे मुश्किल हालात को शिवा के हौसले ने बौना साबित कर दिया। ये बहुत हर्ष, उल्लास और गर्व का विषय है कि कैप्टन शिवा चौहान, इंडियन आर्मी की महिला कैप्टन ने अब सियाचिन में 100 दिन की टेन्योर पूरी कर ली है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मिसाल कायम की है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन शिवा सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की सदस्य हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉप्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है, साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इसी के चलते कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनाती मिली। कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति की चौकी है। ये उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। कुमार पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कुमार पोस्ट पर पारा दिन में भी -21 डिग्री के आसपास रहता है। भारी बर्फबारी के चलते यहां सैनिकों को राशन पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए सियाचिन एक बेहद अहम मोर्चा है। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है तो वहीं दूसरी तरफ है चीन। सियाचिन वो जगह है जहां कुदरत हर पल इम्तिहान लेती है, हर पल हौसले की परीक्षा होती है। यहां चुनौतियों को झेलने के लिए अकूत हौसले और अक्षुण जज्बे की जरूरत होती है। आज कैप्टन शिवा देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने उदयपुर से अपनी स्कूलिंग की। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री है। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी हौसला नहीं खोया। बचपन से ही कैप्टन शिवा ने सेना में आने का सपना संजोया था और इसके लिए उन्होंने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कड़ा प्रशिक्षण भी लिया। मई 2021 में उन्हें सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया। सियाचिन में तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दिन में कई घंटे बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया जाता था। हिमस्खलन में अपना और साथियों का बचाव करने के तरीके भी उन्हें सिखाए गए। कई तरह के मुश्किल हालातों में सहन शक्ति की परीक्षा भी ली गई, तब जाकर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं, यानी हम और आप महफूज हैं। तो इसमें हमें शिवा के जांबाज कंधों का भी सहारा है। कड़ाके की सर्दी में जब हम घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो कैप्टन शिवा चौहान इसी बर्फीली दुर्गम इलाके में देश के लिए मुस्तैदी से दिन रात अपना फर्ज निभाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।